उसके बाद हाइड्रेटिंग डे लोशन की अगर हम बात करें तो अगेन पहले क्लिनिकली टेस्टेड क्लेम के साथ शुरुआत करते हैं। ये आपका मॉइस्चराइजर है। 87% लोगों ने माना कि इसके इस्तेमाल से त्वचा नम महसूस हुई, फाइन लाइंस अगर किसी को अर्ली एज में ही दिखाई देने शुरू हो गए थे तो उसकी अपेयरेंस को भी इसने मिनिमाइज किया, उसको भी कम करने में मदद की। साथ ही साथ अर्ली साइंस ऑफ एजिंग को ये रोकता है। अगर महीन रेखाओं की शुरुआत हो गई है इन केस एक्सेप्शनली यंग एज में तो उसको भी ये एड्रेस करता है। इसके अंदर भी वही SPF 30 और PA 4x+ है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जो आपकी त्वचा को हानिकारक UVB और UVA रेज से एक्सेलेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर भी वही आपको तीनों चीजों का ब्लेंड, जिसको हम स्किन केयर कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, वो शामिल है, जो स्किन के यूथफुल कंडीशन को 200% तक सुरक्षित रखने में मदद करता है और विजिबल साइंस ऑफ एजिंग को डिले करने में मदद करता है, त्वचा के लचीलेपन को बरकरार रखता है। इसके अंदर वही कार्नोसिन है, एक पेप्टाइड जो आपको ब्लू लाइट या इंफ्रारेड लाइट के एमिशन की वजह से जो त्वचा को नुकसान पहुंचाता है, बेसिकली फिर वही स्मार्टफोन, सबसे ज्यादा डैमेजिंग तो स्मार्टफोन ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपोजर भी स्मार्टफोन की वजह से होता है, तो उससे भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और हमारे अपने बागान में उगाए गए अनार का सत्व है, जो फिर बनाते हुए PM 10 और PM 2.5 जैसे जो सूक्ष्म प्रदूषक हैं जो हमारी त्वचा के ऊपर चिपके रहते हैं, उससे त्वचा को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। साथ ही साथ इसमें अलग से एक शैवाल का भी सत्व डाला गया है, रेड एल्गे एक्सट्रैक्ट है, जो त्वचा को स्किन डिहाइड्रेशन से बचाता है, त्वचा के नमी के निकास को रोकते हुए त्वचा को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। ड्राई स्किन में प्रॉब्लम क्या है? स्किन डिहाइड्रेटेड है, त्वचा में नमी की कमी है, तो स्किन को डिहाइड्रेशन से ये बचाता है। इसके इस्तेमाल से भी 2400 घंटे त्वचा में नमी बनी रहती है। इसके इस्तेमाल से भी त्वचा के रोम छिद्र बंद नहीं होंगे, ये त्वचा के लिए सेफ है। तो ये तो हो गया बेसिक रेंज, बैलेंसिंग CTM और हाइड्रेटिंग CTM। बोलचाल के लिए, समझने के लिए, पुरानी आदत भी थी तो हम यहाँ तक कह सकते हैं। और एक्चुअली CTM ही है, क्लेंजर टोनर मॉइस्चराइजर ही है, तो कुछ गलत नहीं है। एक अलग से प्रोडक्ट जो ऐड किया गया है यहाँ पे, जो हम कहते हैं कि देखिए आज की तारीख में कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई इतने अर्ली एज से ये क्यों जरूरी है, लेकिन आंखों के आसपास की त्वचा सबसे नाजुक होती है, इक्वली डैमेज होती है। और आंखों के आसपास की त्वचा अगर डैमेज होती है, या कोई भी जो आपको जो दिक्कतें नजर आती हैं वो विजिबली बहुत ग्लेयरिंग होती हैं, और पूरे चेहरे की त्वचा अगर आपकी कितनी भी ग्लोइंग हो, दमकती हुई हो, बहुत फेयर स्किन हो, एकदम बेदाग त्वचा हो, लेकिन आंखों के आसपास अगर समस्या रहती है, तो कहीं ना कहीं से कहते हैं ना चांद में दाग वाली बात, तो वही बात हो जाती है। और इधर हमने देखा है बदलते समय के साथ, चूंकि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपको जितनी गर्मी बढ़ रही है, जिस तरह से पोल्यूटेंट्स बढ़ रहे हैं, 10 साल 15 साल पहले इस तरह की स्थिति नहीं थी, तो आज की तारीख में त्वचा को डैमेज भी पहले से कई गुना ज्यादा और कहीं तेजी से हो रहा है। तो यंग एज से ही आंखों के आसपास की त्वचा को भी स्वस्थ रखने का प्रयास शुरू कर देना चाहिए, ये आइडियली रिकमेंडेड है। तो इसीलिए हमारे पास हाइड्रेटिंग आई जेल क्रीम है, कि आंखों, हम चेहरे के ऊपर तो मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं, आंखों के आसपास लगाने के लिए मॉइस्चराइजर नहीं होता, इट इज अ फैक्ट। और पूरा चेहरा अगर आपका हाइड्रेटेड है, ग्लो कर रहा है, लेकिन आंखों के आसपास की त्वचा अगर रूखी है, तो फिर वो मिसमैच लगता है। तो पहले इस प्रोडक्ट के क्लिनिकली टेस्टेड क्लेम की बात करें कि 89% लोगों ने माना कि इसके इस्तेमाल से, सिर्फ 2 हफ्ते के इस्तेमाल से, अगर किसी को डार्क सर्कल का प्रॉब्लम था, आंखों के नीचे जो गहरे धब्बे नजर आते हैं, तो उसने उसमें कमी आई इसकी वजह से, चूंकि जेल टेक्सचर का है ये, आंखों के आसपास के एरिया में जो अर्ली साइंस ऑफ एजिंग होते हैं ये उसको कम करता है। अगर कम एज में ही एक्सेप्शनली हम देख रहे हैं कि किसी को महीन रेखाएं दिख रही हैं आंखों के आसपास, डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, आंखों के नीचे पफिनेस है, जो स्वेल्ड आइज लगती हैं, सूजी हुई आंखें लगती हैं, उनको ये कम करने में मदद करता है, आंखों के आसपास के एरिया को पोषण देता है, नमी देता है। इसके अंदर किनोवा सीड है, एक अनाज का सत्व है जो डार्क सर्कल्स के अपियरेंस को कम करने में मदद करता है। इसके अंदर माइक्रो लाइट डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स हैं जो आंखों के आसपास के एरिया को ब्राइट करने में मदद करते हैं, रंगत को निखारते हैं।
इसके अंदर भी वही स्किन केयर कॉम्प्लेक्स है जो आंखों के आसपास के एरिया को प्री मेच्योर एजिंग या विजिबल साइंस ऑफ प्री मेच्योर स्किन एजिंग से रोकता है कि समय से पहले अगर आंखों के आसपास के एरिया आपकी एजेड हो रही है तो उससे ये बचाए। और इसमें भी हमारे बागान में उगाए गए अनार का सत्व है जो आंखों के आसपास के नाजुक एरिया को राहत प्रदान करता है और पोल्यूशन के द्वारा जो इरिटेशन होता है उसमें ये आपको राहत देता है। इसके इस्तेमाल से भी आंखों के आसपास की त्वचा को हम 24 घंटे नमी प्रदान कर सकते हैं। फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट है, इसके इस्तेमाल से भी रोम छिद्र बंद नहीं होते और त्वचा के लिए सेफ है। और यहाँ पे आपको इतना ही नहीं, आप बिफोर और आफ्टर भी देख सकते हैं कि पहले अगर किसी को अर्ली एज में ही आंखों के आसपास इतनी सारी महीन रेखाओं की समस्या थी तो प्रोडक्ट के इस्तेमाल के बाद उसमें कितनी कमी है। तो अगर हम पूरे सॉल्यूशन सेट की बात करें, अगर हम पहले बैलेंसिंग सॉल्यूशन सेट की बात करें कि भाई क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर और आई क्रीम। आई क्रीम इज कॉमन, आंखों के आसपास लगाना होता है तो वहां पे त्वचा के प्रकार को आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको जानबूझ के कॉमन रखा गया है। आप बैलेंसिंग यूज करें या हाइड्रेटिंग यूज करें, आई क्रीम वही रहेगा, कॉमन प्रोडक्ट है। तो अगर ये चार प्रोडक्ट का सेट बैलेंसिंग सॉल्यूशन सेट के तौर पे हम यूज करते हैं तो सिर्फ 2 हफ्ते के लगातार इस्तेमाल में निम्नलिखित स्पष्ट परिणामों को हम नोटिस कर सकते हैं, जहां पे 2 हफ्ते में हमारे त्वचा के रोम छिद्र का आकार कम होगा, ये रोम छिद्र को जाम नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, ये तेल को, अतिरिक्त तेल को हटाने और नियंत्रित करने में मदद करेगा। इसके इस्तेमाल से हमारी त्वचा चमक मुक्त नजर आएगी, शाइन फ्री लुक जो होता है कि जो चमकती है त्वचा उसमें आप इजाफा देखेंगे कि वो चमक काफी हद तक कम हो गई है, चमक खत्म हो गई है रादर। आपको एक सॉफ्ट मैट फिनिश मिलेगा, स्किन नॉर्मल सी प्रतीत होगी और क्लेंजर के इस्तेमाल से त्वचा के ऊपर ठंडापन का भी एहसास होगा आपको। और इसमें जो स्किन केयर कॉम्प्लेक्स है वो हमारे स्किन के यूथफुल कंडीशन को 200% तक सुरक्षित रखने में मदद करेगा। सिमिलरली अगर हम हाइड्रेटिंग सॉल्यूशन सेट की बात करते हैं तो सिर्फ 2 हफ्तों के लगातार इस्तेमाल में हम बिल्कुल स्पष्ट रिजल्ट्स देख सकते हैं, जहां पे इसके इस्तेमाल से भी अगर पोर्स बड़े हैं तो उनका लुक मिनिमाइज होगा, सारे प्रोडक्ट के इस्तेमाल से त्वचा के रोम छिद्रों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये तुरंत नमी प्रदान करेगा और वो नमी 24 घंटे बरकरार रहेगी, एक हेल्दी लुकिंग दमक आपको प्रतीत होगी चेहरे की त्वचा पे, ये हमारी त्वचा के अंदर जो कोलाजन नाम का प्रोटीन फाइबर है उसको भी सुरक्षित रखेगा ताकि त्वचा का जो युवा बाउंस है, जो त्वचा का जो लचीलापन है, जो बाउंस है, जो त्वचा का आकार है वो बरकरार रहे, यानी यंग रहे त्वचा। और फाइन लाइंस को शामिल करते हुए इन केस एक्सेप्शनली अगर कोई अर्ली साइंस ऑफ एजिंग को एक्सपीरियंस कर रहा है उसको भी ये प्रिवेंट करेगा। इसके इस्तेमाल से हमारी त्वचा में तुरंत नमी का संचार होता है और स्किन एजिंग के प्रीमेच्योर साइन को ये कम करने में मदद करता है और हमारी त्वचा के यूथफुल कंडीशन को 200% तक बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि इसके अंदर वही स्किन केयर कॉम्प्लेक्स है। तो ये ओवरऑल पूरे सेट के इस्तेमाल के फायदों की बात हो गई दोस्तों। अब अगर हम रेजिम पे आए कि सुबह शाम क्या यूज करेंगे तो यहाँ पे 2 तरह का कस्टमाइजेशन संभव है। दिन में जैसे हमने जिनकी त्वचा कॉम्बिनेशन से ऑयली है उनके लिए, जिनके लिए बैलेंसिंग सेट है रादर, तो वो पहले सुबह में बैलेंसिंग जेली क्लेंजर से चेहरा साफ करेंगे, फिर बैलेंसिंग फ्रेश शेक टोनर अप्लाई करेंगे। उसके बाद मान लेते हैं कि पहले से अगर आप एडवांस विटामिन सी प्लस एच ए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो वो यूज कीजिएगा। उसके बाद जो आपका हाइड्रेटिंग आई जेल क्रीम है उसको लगाइएगा सिर्फ आंखों के आसपास और बैलेंसिंग मैट डे लोशन लगाएंगे। ये दिन का रेजिम पूरा हो गया, रात में यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। पर कितना है कि रात में, अब यहाँ पे 2 तरह का जो कस्टमाइजेशन है कि हाइड्रेटिंग आई जेल क्रीम के साथ अगर किसी को अर्ली साइंस ऑफ एजिंग कोई एक्सपीरियंस कर रहा है, दिखाई दे रहा है, तो रात में बैलेंसिंग मैट डे लोशन को हम रिप्लेस करेंगे हमारे आर्टिस्ट्री स्किन न्यूट्रिशन के एंटी एजिंग रेंज का जो एक कॉमन प्रोडक्ट है रिनीविंग रीएक्टिवेशन क्रीम, उसको हम लगाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ ऑयल कंट्रोल करने के लिए एक बेसिक स्किन केयर का प्रोडक्ट चाहिए और अर्ली साइंस ऑफ एजिंग मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, माय स्किन इज हेल्दी राइट नाउ, एजिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रात में भी आप बैलेंसिंग मैट लोशन लगा सकते हैं, बैलेंसिंग मैट डे लोशन लगा सकते हैं। लिखा हुआ है डे, लेकिन रात में भी अप्लाई किया जा सकता है बिकॉज एसेंशियली इट इज ए मॉइस्चराइजर
हाँ, इसमें जो एसपीएफ और यूवी है, SPF 30 और PA 4 times प्लस है, उसकी जरूरत नहीं है रात में, लेकिन वो नुकसान भी नहीं पहुंचाए। तो अगर हम सिर्फ मॉइस्चराइजेशन के पर्पज से और ऑयल को कंट्रोल करने के पर्पज से अगर हम यूज करना चाहते हैं तो रात में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा पर्पज थोड़ा डिफरेंट है, हम देख रहे हैं कि नहीं, इतना पर्याप्त नहीं है, मॉइस्चराइजेशन के साथ साथ मुझे ज्यादा फोकस करना है अर्ली साइंस ऑफ एजिंग को एड्रेस करने के लिए, तो रात में आप रिनिविंग रिएक्टिवेशन क्रीम यूज करेंगे। सिमिलरली अगर हम हाइड्रेटिंग सेट की बात करें, तो दिन में आपका हाइड्रेटिंग मूस क्लेंजर से आपने चेहरा साफ किया, उसके बाद फिर हाइड्रेटिंग स्मूदिंग टोनर अप्लाई किया। फिर अगर हम ये प्रिज्यूम कर लें कि आप पहले से आर्टिस्ट्री का एडवांस विटामिन सी प्लस एच ए फॉर्मूला यूज कर रहे थे, तो आप उसको लगाइएगा, नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। उसके बाद आप हाइड्रेटिंग आई जेल क्रीम लगाएंगे और दिन में फिर हाइड्रेटिंग डे लोशन SPF 30 लगा के अपने दिन के रेजिम को पूरा करेंगे। रात में फिर इसी रेजिम को दोहरा सकते हैं। सेम फंडा जो हमने बैलेंसिंग सिस्टम में अप्लाई किया था, वही फंडा यहाँ लगेगा कि अगर आपको लगता है कि त्वचा के रूखेपन के साथ साथ अर्ली साइंस ऑफ एजिंग भी क्रीप इन कर रहे हैं, तो उनको एड्रेस करने के लिए हम रात में हाइड्रेटिंग डे लोशन SPF 30 ना लगा के रिनिविंग रीएक्टिवेशन क्रीम लगाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी त्वचा यंग है और एजिंग का कोई साइन नजर नहीं आ रहा है और इसकी आवश्यकता नहीं है, तो यू कैन गो विद हाइड्रेटिंग डे लोशन SPF 30 एज वेल विद द सेम फंडा कि ऑल्दो आपको SPF की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्योर मॉइस्चराइजर के तौर पे आप इसको यूज कीजिएगा। तो अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग रेंज है, जहाँ पे हम बेसिक स्किन केयर के तहत आर्टिस्ट्री एसेंशियल्स का जेल क्लेंजर, लाइट लोशन और मल्टी प्रोटेक्ट लोशन की बात करते हैं, ये धीरे धीरे फेज आउट हो जाएगा और उसकी जगह पे ये जो हमारा स्किन टाइप के हिसाब से जो सेट है, बैलेंसिंग और हाइड्रेटिंग, ये कम्प्लीटली इसको रिप्लेस कर देगा। तो ये आने वाला है बहुत जल्द। और अभी तो फिलहाल आपके पास दोनों समाधान है, आर्टिस्ट्री एसेंशियल्स का भी रेंज है और ये नया वाला रेंज जब लॉन्च होगा तो दोनों हो जाएगा। बट इवेंचुअली कंफ्यूजन नहीं रहे, ये जब तक हमारा आर्टिस्ट्री एसेंशियल्स का जो स्टॉक है जब तक चल रहा है, ठीक है, ये खत्म होगा तो ये दोबारा नहीं आएगा, ये पूरी तरह से रिप्लेस्ड हो जाएगा हमारे नए वाले आर्टिस्ट्री स्किन न्यूट्रिशन बैलेंसिंग और हाइड्रेटिंग सोल्यूशन सेट के साथ। कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड भी है दोस्तों। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पहले अगर हम पूरे रेजिम का क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर और आई क्रीम, ये चारों का अगर आपको डिटेल देखना है तो यहाँ